वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इंजॉय स्टडी, लेट्स मेक लर्निंग मोर इजी। आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह इन टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी दो अक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपके तीन फेजेस होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पर आपको आउटपुट है, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। सेकंड इनकम यानी आय, और थर्ड है एक्सपेंडिचर यानी व्यय। आय के चक्रीय प्रवाह में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेजेस काम करते हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। और इसमें प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, जैसा कि आपको सामने दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर चार सेक्टर के बारे में बात की गई है, जिसमें आपका जो मेन है हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एब्रॉड है। तो दैट मीन्स आपके किसी भी इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं। और लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर एक इकोनॉमी में चार सेक्टर हो, इसलिए डिफरेंट फेजेस ऑफ सेक्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कोई भी इकोनॉमी जो चार तरीके से हो सकती है, जिसमें टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है। तो आज हम टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है? टू सेक्टर इकोनॉमी में आपके दो सेक्टर होते हैं, जिसमें पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर होता है फर्म। हाउस होल्ड और फर्म यानी आपका प्रोडक्शन। तो आइए जान लेते हैं कि हाउस होल्ड का और फर्म्स का क्या मीनिंग होता है, तब इसके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी में फर्स्ट सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब होता है घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र में आपका मेनली कंज्यूमर आता है, उपभोक्ता यानी हम जैसे लोग, जो गुड्स एंड सर्विसेज को, वस्तु और सेवाओं की डिमांड करते हैं ताकि उनकी नीड्स फुलफिल हो जाए। और नीड्स फुलफिल होने के बाद उनको सेटिस्फेक्शन हो, यानी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फेक्शन, अपनी संतुष्टि के लिए गुड्स और सर्विसेज की मांग करना कंजप्शन का पार्ट है। हाउस होल्ड द कंज्यूमर्स। द हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी इज एवरी वन इन एन इकोनॉमी हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ऐसा कोई भी पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कहलाता है। अब कंजप्शन इज द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, गुड और सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स एंड नीड्स। इन ए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कंजप्शन इज एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड जो सेक्टर है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करता है उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। हाउस होल्ड सेक्टर इज ए टीम दैट इंडिकेटिंग द कंज्यूमर कंज्यूमिंग वांट्स एंड नीड्स सेटिस्फाइंग पॉपुलेशन। एवरीवन इन सोसाइटी इज इंक्लूडेड इन द हाउस होल्ड सेक्टर। तो देखो यहाँ पर कहना चाहता है कि हाउस होल्ड सेक्टर में आपका कंज्यूमर्स आते हैं और कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज पर, वस्तु और सेवाओं पर जो भी खर्चा करते हैं उसको कंजप्शन
एक्सपेंडिचर कहा जाता है यानी उपभोग व्यय। दूसरा सेक्टर है प्रोडक्शन सेक्टर यानी उत्पादन नक्षत्र। प्रोडक्शन सेक्टर तीन टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में आपका फार्मिंग, फिशिंग और माइनिंग, इनसे जुड़े काम आता है, यानी इसमें आपका कृषि पालन, मत्स्य पालन और पशुपालन, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। दूसरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण उद्योग। इसमें प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड सेक्टर है आपका सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका बैंकिंग, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हर तरीके की सेवाएं आती हैं। और इन तीनों ने जितना टोटल प्रोडक्शन दिया है उन दोनों तीनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोडक्शन सेक्टर। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर, और हमने जाना कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों सेक्टर के बीच सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपका दो फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रियल फ्लो क्या होता है यानी वास्तविक प्रवाह क्या होता है और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है।